अस्सलाम वालेकुम 5th क्लास इंग्लिश टीचर मिस नताशा हियर एंड इट्स योर लेक्चर नंबर 17 एंड पेज नंबर 34 लास्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन पे थे हम लोग. तो वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम अ बिजी बी. वो कहते हैं कि हम ज़रूर एक सबक सीखें इस मसरूफ शहद की मक्खी से. बच्चों, मैंने आपको पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरीके से हमारी आसानी के लिए ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए और किस तरह गुजारना चाहिए वो सारा सबक और वो सारी तहरीर और सारा तरीक़ाकार कुरान मजीद में बता दिया. फिर भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गाफिल हैं, जो अभी तक गफलत की नींद से बेदार नहीं हुए, जो कहते हैं आज नहीं कल कुरान पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते. तो बिना तर्जुमे के हमें दूसरी ज़ुबान कैसे समझ में आएगी, सोचने की बात है ना. तो मेरी सोच तो ये है कि भले ही हम कुरान आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ. लेकिन ये चीज़ें मुझसे भी, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कहूँगी कि बच्चों मैं उसे हर रोज़ पढ़ती हूँ, लेकिन बच्चों ये भी एक सच है, मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मेरे पास जो कुरान मजीद है वो तर्जुमे के साथ है. तो मैं तर्जुमे के साथ हर एक आयत को पढ़ती हूँ, उसे समझने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे समझ ना आए तो इंटरनेट पे सर्च कर लेती हूँ ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें. तो अल्लाह ताला ने एक चीज़ हमें पहले से बता दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था. अल्लाह ताला पहले से जानते हैं इंसानों को. तो ये मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल जो एक हम्बल भी, मस्कीन, हलीम, छोटी सी नाचीज़ हशरात में से, एक शहद की मक्खी से लेकर, अगर हम एक मिसाल लें शहद की मक्खी से, कि वो कितनी मसरूफ़ रहती है पूरी ज़िंदगी और कितनी बहादुर होती है सिपाही के लिए कि अपने एक छत्ते को बचाने के लिए, अपनी आबादी को बचाने के लिए, अपनी हजूम को बचाने के लिए वो डंक अपना छोड़ देती है अपने दुश्मन के अंदर और ख़ुद मर जाती है. तो ये कुर्बानी देना और ये मेहनत करना, अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना, तो ये एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक हफ़्ते की बात नहीं है. उन्होंने इस चीज़ को ज़िंदगी का एक निज़ाम बनाया. और ये बनाने वाला कौन है? बेशक हमारा, आपका, मेरा अल्लाह सुभान व तआला. तो बच्चों, किसी भी काम से जो आप पे फ़राइज़ हैं आप पे, उनसे हमें जी नहीं चुराना चाहिए. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा कि देखिए, खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो जाना, बीमार पड़ जाना, या कोई ऐसा अर्जेंट काम आ जाना जिससे आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सके, एक दिन, दो दिन कोताही हो गई, लेकिन दोबारा उसी ट्रैक पे वापस आएँ, क्योंकि वो आपका फ़र्ज़ है. जैसे अब टीचर हम लेक्चर्स बना के आपको फॉरवर्ड करते हैं, भेजते हैं, स्कूल की तरफ से मिलते हैं, तो आपका फ़र्ज़ क्या है इन दिनों में? आप अपनी पूरी तैयारी करके आएँ ताकि जब इंशाल्लाह एग्ज़ाम हो तो सब बच्चों का रिज़ल्ट 100% हो, 99.9% यकीनन हो, और मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में तो लाजमी हो बच्चों. तो ये आपकी ड्यूटी है, जिस तरह हमारा एक फ़र्ज़ है वो आपका भी फ़र्ज़ है, हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना, समझना. और इससे एक छोटी सी बात लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगी मैं कि पिछले कई दिनों से मैं खुद बड़ी बीमार रही हूँ, और उस बुखार की वजह से मलेरिया हो गया था कुछ टाइम के लिए. तो बच्चों, डॉक्टर्स बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे जो ये इन्वायरमेंट है एटमोसफियर में, इसमें एक चीज़ है, जैसे कि माह रमज़ान के बाद बहुत से लोग बीमार होने लग गए. तो बच्चों, दो चीज़ें करें प्लीज़. एक तो घर पे रहें, और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं. बार बार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, बार बार क्लिनिक पे बहुत से छोटे बच्चे आए हुए थे, गला ख़राब है, खांसी है, नज़ला है, उसकी वजह से जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, जिस्म निढाल सा है, बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे क्लिनिक पे देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. और अगर उनकी, अगर माओ से पूछा जाता रीज़न क्या बात, वो कहते बाहर की चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें. तो बाहर की चीज़ें मत खाएं, घर में जो बनता है, दैट फूड इज़ हेल्दी फॉर योर हेल्थ, दैट इज़ नीट एज वेल. और घर में जो भी आपकी मम्मी बनाती हैं वही आपके लिए बेहतर है, बेहतरीन है बल्कि. तो प्लीज़, जैसे आप घर में रह रहे हैं, अपने आप को अपने सेफ रखा हुआ है, तो बाहर की चीज़ें भी ना खाएं.
आज के लिए ये लेक्चर भी काफ़ी था और बहुत सारी एडवाइसेस मिस नताशा ने आपको दी, आई होप आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे। ठीक है फाइव क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रह गया जो टर्म इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है और वो है ओरल डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।